सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, यू आर वाचिंग गुड मोटर ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस। तो आज देखो, हालांकि कम सीसी सेगमेंट की गाड़ी हमने आपके पास ये वीडियो लेके आया है। हालांकि बहुत दिन हो गया वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा बहुत इधर उधर बात हो गया लगे गाइस। खैर कोई बात नहीं, जैसा कि कंटेंट और टाइटल आपने देखा, सॉरी तो पीछे गाड़ी ध्यान नहीं दिया। तो कंटेंट और टाइटल आपने देखा, गाड़ी हमारे पास खड़ी है, ये देख सकते हो, पैशन प्लस E20 वर्जन 2024, बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, पावर फिगर सब कैसी है, क्या है, सब सारा डिटेल्स देते हैं आपको गाइस। तो देखो गाड़ी, पहले गाड़ी की कलर देखो आप, जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि आपको अच्छी तरह पता होगा इसकी, पहले की जो पैशन प्रो आती थी और पैशन प्लस जो भी थी, वो थी इसी फ्रेम पे, इसी चैसिस पे, इसी कैटेगरी की। लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हो ग्राफिक्स चेंज है, और पीछे से भी देखोगे तो आप वही लग रहा है, एकदम सेम लग रहा है पैशन प्रो। बट गाइस, यहाँ पे जो है ना, सबसे बड़ी चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्रंट देख लो गाड़ी, पहले ओवरऑल देख लो गाइस आप, उसके बाद हम बात करेंगे। और पीछे का बैकग्राउंड आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं खड़ा हूँ ये देख सकते हो शोरूम के पास, और ये केसरी ऑटोमोबाइल्स जो इलाहाबाद मांडा रोड पर है। और चलिए अब गाड़ी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो इसकी की, हालांकि मंगवा लेते हैं इस गाड़ी की लेते हो तो। सो गाइस, इस गाड़ी की अगर पावर, इसकी सबसे पहले इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, तो 97.2 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, मतलब ऑयल कूल्ड बोल सकते हैं, जो कि ऑयल कूल्ड रेडिएटर अगर नहीं है, मतलब कि जो कूलिंग सिस्टम है भाई इंजन से ही जो ठंडा हो सके। दूसरी बात, जो इसकी पावर फिगर है, 7.91 BHP की पावर ये जनरेट करती है। 9 इंच का टॉर्क है इस गाड़ी में, जो कि यार सीसी सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। माइलेज समझ सकते हो गाड़ी, ये गाड़ी कंफर्ट माइलेज डेली पर्पस के लिए आप ये गाड़ी ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो। और इसका मैं पावर फिगर्स तो हमने आपको बता दिया, इसका प्राइस जो है वो भी हम बता देंगे। और अभी जो हमने की लाने भेजा है भाई, क्योंकि इस बाइक का की ले जाओ, तो उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। उसके बाद जो भी स्पीडोमीटर में नई चेंजेस होगी वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। और ये वर्जन देख सकते हो भाई साहब, E20 का असली रीज़न ये होता है कि 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल से ये गाड़ी चलेगी। अब तो एथेनॉल हर जगह नहीं मिलता, लेकिन आने वाले टाइम में एथेनॉल जो है सारी जगह अवेलेबिलिटी हो जाएगी गाइस, ये आप जान लो। और इस गाड़ी की यार गाइस सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूँ, ये एक ऐसा है ना कि डेली कंप्यूटर पर्पज़ के लिए गाड़ी बनी है। तो ये हालांकि बीच में बंद हो गई थी, बंद क्या मिल रही थी, बट जो नया चाहिए था बेट इस गाड़ी को वो नहीं मिल पा रहा था। तो हालांकि मिला तो काफ़ी अच्छा मिला, और जो इंजन है गाइस वो पहले से ज़्यादा रिफाइंड हो गया है। हीरो की सारी बाइक्स देख सकते हो आप, जो कि रिफाइनमेंट में भाई नंबर वन चल रही इस टाइम। सुपर स्प्लेंडर आप बात कर सकते हो, या फिर एनी बाइक्स दैट हीरो हैज प्रेजेंटिंग गिविंग टॉप नॉच रिफाइनमेंट एंड वेरी रिफाइंड इंजन गाइस, ये जान लो आप। तो सो गाइस, हमने इस गाड़ी का जो टॉर्क आपको थोड़ा बाय मिस्टेक गलत से बता दिया, इस गाड़ी का टॉर्क 8 का है, 8 point something का टॉर्क है, जो कि 6000 RPM पे प्रोड्यूस करता है। इसका टॉर्क जो 6000 RPM पे टॉर्क जो इसका निकलता है इस बाइक का। और अगर गाड़ी गाइस अगर पेंट की बात कर लें, तो या पेंट इज़ वेरी डिफिनेट, बहुत अच्छी पेंट क्वालिटी अब जो है पहले से ज़्यादा यूज़ हुई है। और जो पीछे का ग्रैबरल देख सकते हो आप, वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। हालांकि हीरो में भी पार्ट्स में कोई कमी नहीं है गाइस, देख सकते हो ये आप छू लो, चाहे ये इंडिकेटर वगैरह छोड़ लीजिए, जैसे पल्सर बजाज में अपने को मिलता है फ्लेक्सिबल वाला, वो इसमें भी है, और इधर फ्रंट में भी वही है। बट की आ रहा है, उसके बाद मैं आपको सारा मीटर का कंट्रोल में क्या क्या न्यू अपडेट है, क्या क्या मतलब नया लुक के साथ फीचर्स के साथ अभी पैशन प्लस आ रही है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मिरर्स वगैरह बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, और काफ़ी अच्छा मूव कर रहे हैं अपने जगह पे, ये ऐसे एडजस्ट किया गया है, अभी इसको जो है जब ये गाड़ी सेल होगी तब सही कर दिया जाएगा। बाकी अगर इधर इसकी क्वालिटी, ग्रिप की क्वालिटी बात कर ले, वो भी एकदम बेस्ट है, और एकदम मक्खन की तरह भी है। और ये हालांकि जो है थोड़ा चीप क्वालिटी का है, ये टूट सकता है लगने के बाद, अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है या कहीं पर लगता है तो ये टूट सकता है। बाकी लीवर्स वगैरह जो भी पार्ट्स क्वालिटी हैं पहले से तो ठीक ही है भाई, देख सकते हो आप, ठीक है गाइस, ख़राब नहीं बोल सकते, हीरो है भाई, समझ सकते हो। बस ये चेसिस फ्रेम जो है वही पहले वाले पैशन प्रो की तरह है। और यहाँ पे प्रोटेक्टर देख सकते हो, ताकि आपका पैर जो है इंजन में टच ना हो, अगर इंजन हीट होगा तो ये फिर प्रोटेक्ट करेगा आपको। और टूल बॉक्स इधर रख सकते हैं आप, जितना भी टूल होगा आप इसके अंदर रख सकते हैं। और यहाँ पे जो अब जो देख सकते हो प्रोग्राम्ड FI भैया कार्बोरेटर हट चुका है, FFI फ्यूल इंजेक्शन इसमें आ गया है, क्योंकि पहले वाले पैशन प्रो में जो है कार्बोरेटर वर्जन रहता था, इसमें जो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। सो गाइस, अगर इस बाइक को आप परचेज करना चाहते हो, अगर हीरो की कोई भी बाइक आप परचेज करना चाहते हो, तो हमारे नज़दीक आप आ सकते हो शोरूम पर, जो कि है केसरी ऑटोमोबाइल्स, जो कि है चिलबिला बाज़ार मांडा रोड पर, आओ बेझिझक। अगर आप हमारी वीडियो देख के आते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, ये 100% है, ये आप जान दो। बाकी
जो बाइक थी गाइस इसकी सारी डेफिनेशन हमने दे दी, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव बातें ये गाड़ी हमने आपको ओवरऑल बता दी गाइस। पार्ट्स में बेहतरीन है, माइलेज में बेस्ट है, परफॉर्मेंस में बढ़िया है, रिलायबिलिटी इसकी इतनी अच्छी है। ये गाड़ी पहले भी थी बट थोड़ा बीच में इसका शो ऑफ उतना नहीं हो पा रहा था, नहीं चल पा रही थी बिकॉज ऑफ एनी अदर बाइक्स फ्रॉम हीरो इज गिविंग बेस्ट फ्रॉम दिस। तो गाइस अब जिसकी क्या हुआ, कनेक्शन कर रहे हैं तो मैकेनिक साहब आए हैं हमारे इसको कनेक्शन करने के लिए। मीटर इसको ऑफ है गाइस, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है गाइस कि जितने भी नई बाइक्स रहती हैं उसकी बैटरी खोल के रखी जाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करने से तो बैटरी डेड हो सकती है, ऐसा रहता है गाइस। तो चलिए गाइस जब तक बैटरी लगती है उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। सो गाइस हम आ जाते हैं अपने मीटर कंसोल पे और दिखाते हैं, थोड़ा मीटर इधर ऊपर कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। ये देखो आप, तो न्यू मीटर कंसोल है पैशन प्लस का। और सबसे पहले इधर बात कर लेते हैं ट्रिप वन सेट कर सकते हैं आप, ओडो सेट करते हैं कितनी आपकी गाड़ी चल रही है वो टोटल एडो के नीचे दिखाएगा, और ट्रिप आप सेट कीजिएगा तो इस बटन से रीसेट बटन से आप कर सकते हैं वन या टू। बाकी इधर फ्यूल है और इधर आप न्यूट्रल लाइट देख सकते हो, गियर इंडिकेटर पोजीशन इसमें नहीं आता, टाइम भी नहीं आता, बाकी कुछ नहीं आता, मतलब एक इस गाड़ी के हिसाब से सारे इसमें फीचर्स दिए गए हैं, इससे ज़्यादा इसमें उम्मीद भी नहीं है। अगर टाइम वगैरह देता तो ज़्यादा बेटर रहता। सो हीरो से ये उम्मीद है कि अगली बार पैशन प्लस में जरूर टाइम का एक सुविधा करें। बाकी इधर पास देख सकते हो आप बाईस, और इधर इंडिकेटर हमने आपको दिखा दिया ये जल रहा है, फ्यूल नहीं है इसमें ना। तो गाइस इस गाड़ी के बारे में हमने आपको सारी बातें बता दी, टोटल चीज़ बता दी, और बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस। तो गाइस आपको बहुत एकदम किफ़ायती दाम में ये गाड़ी मिलने वाली है, ये मतलब पैशन प्लस नहीं वाली, इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा गाइस 96,000, टोटल एकदम 96,000, जो कि है आप बोल सकते हो ये इलाहाबाद सिटी लगता है, हर सिटी की अलग प्राइस होती है। ये केसरी ऑटोमोबाइल्स में यहाँ पाइएगा तो 96,000 आपको लगेगा। और इसके अलावा इसके साथ मिलता क्या क्या, आपको सीट कवर मिलेंगे और हेलमेट मिलेगा और भी दो तीन एक्सेसरीज मिलेंगी जो कि रबड़ वगैरह इसमें लग सकता है आई थिंक। तो पाँच साल इंश्योरेंस और इंजन की गारंटी 5 साल ही हमको लगता है। तो इंश्योरेंस तो हालांकि सारी गाड़ियों में आजकल 5 साल इंश्योरेंस मिल ही रहा है, तो 5 साल का इंश्योरेंस तो ऐसे ही मिलता है गाइस। तो 5 साल का इंश्योरेंस और 5 साल की इंजन की गारंटी जो हीरो की तरफ से भी दी जाती है। तो गाइस बिंदास लीजिए गाड़ी, एक फैमिली पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी बाइक है, डेली कम्यूटर पर्पज़ के लिए आपको ऑफिस जाना है या डेली कम्यूटिंग करना है। माइलेज भी एक 60 से 65 तक का ये माइलेज बहुत आराम से दे देगी। अभी तो ये ऐसे खड़ी है, न्यू बाइक है, एकदम 0 किलोमीटर रन हुई है, और उसके बाद जो भी अब इसका जो है ओनरशिप रिव्यू अगर मुझे मिलेगा कोई बंदा तो मैं इसके ऊपर ओनरशिप रिव्यू बनाऊँगा, उसके बाद मैं इसका सारा डेफिनेशन आपको दे दूँगा कि इतने किलोमीटर चलने के बाद क्या रिव्यू मिला, क्या कैसे सब कुछ जो है प्रोस एंड कॉन्स मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टिल देन राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के चलें और मस्त रहें, खुश रहें। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए गाइस, क्योंकि फॉलो करना बहुत जरूरी है गाइस, बिल्कुल फॉलो कर लेना। और ये बाइक आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। चलो गाइस बाय बाय।